जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक है। आज हमारी है जी उकाड़ा में शशमाई मीटिंग है क्लब की, कराटे क्लब की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। तो आज हम जाएंगे अपनी गाड़ी पे, बाइक पे नहीं जाएंगे क्योंकि रात वापसी काफ़ी लेट हो जाएगी। तो इस वजह से प्रोग्राम बनाया है कि आज हम जो है ना वो अपनी ये छोटी सी कोलो मोलो सी मैरान पर जाएंगे। ये हमारा बिजनेस पॉइंट है जी, तो आपको भी मीटिंग में अपने साथ रखेंगे। ये हमारी बाइक खड़ी है जी, और ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी। तो अभी हम चलते हैं जी उकाड़ा अपनी गाड़ी पे, और आपको चल के वहाँ पे पूरा हाल अहवाल दिखाएंगे। आज हमारी शशमाई मीटिंग है और बारबेक्यू की दावत है जी। तो व्यूअर्स, हम कबाबश पहुँच गए हैं, अभी गाड़ी पार्क की है, तो अभी आपको दिखाते हैं कबाबश उकाड़ा, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। ये है जी कबाबश, ये इसकी मेन बिल्डिंग है। चलें जी अंदर चलते हैं। ये ऊपर की मंजिल को रास्ता जाते हैं, और ये सामने जो है वो मीटिंग हॉल है। कॉन्फ्रेंस है क्योंकि साथ, इस वजह से जो है वो ये सामने कॉन्फ्रेंस रूम में सारे ब्लैक बेल्ट इकट्ठे हैं जी। सर जी, आप लोग लेट क्यों हैं अभी? सर नमाज पढ़ रहे थे। ये हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर शेरजंग साहब हैं, रिसेंट इन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, बहुत मेहनती हैं। चलें जी मीटिंग का अभी थोड़ी देर में आगाज होगा, साथ जो है वो शशमाई डिनर है हमारा, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मीटिंग है। तो चलें आपको अब उसके बाद जो है वो सारे हालात बताएंगे। ये मीटिंग का बकायदा आगाज हो गया। सबसे पहले तो हस्बे मामून नईम और अमजद जो दोनों क्लब चला रहे हैं, उन दोनों को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी है, शाबाश भी है। खासतौर पर नई नई एक्टिविटी नई इसमें ऐड की हैं, लड़कों को बच्चों को साथ कनेक्ट करने के लिए। वो बड़ी जिम्मेदारी है, हम में से आम बंदा वो जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं तो कम अज़ कम बिल्कुल भी ना। छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग के लिए लेकर जाना, बच्चों को बाहर लेकर जाना, एक बड़ी टेंशन होती है आपको, उनके अपने बच्चे से भी ज़्यादा दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। अपने बच्चे को चोट ला के तो दिमागों का धक्का मारे तेरू नहीं पता, दूसरे बच्चे दिमागों का धक्का नहीं मारा जा सकता ना। तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके वो सारा काम कर रहा, तो आई थिंक एक तो मैं नईम को अप्रिशिएट बिल्कुल इस वाले को करना चाहिए कि ये बहुत अच्छा क्लब को शुरू कर लिया ना जी। तो बीमारी के दिनों में कैसा किया क्लब का मामला? बंद रहा क्लब, तो अब कितने दिन से शुरू हुआ है दोबारा? लेकिन आपके पास कोई ना कोई आपको रिक्वेस्ट करेंगे नदीम साहब, ये मैं बीमार हूँ तो बहुत, अल्लाह ना करे दोबारा कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो तो क्लब नहीं बंद कर रहा। इसीलिए तीन चार थे ना कि वो ऑफिशियली क्लब ओपन नहीं था। अगर वो आपका बाकायदा एक मैसेज जाए कि आप इतने दिन जो है एक हफ्ता आएगा दो हफ्ते क्लास जो है ना ये तरतीब होगी कि सबसे पहले अगर नदीम साहब आएंगे तो वो क्लास कराएंगे, नदीम साहब नहीं है तो फलाना क्लास कराएंगे। हफ्ते में एक दिन आप नदीम साहब से कहेंगे नदीम साहब मैं चूँकि दो हफ्ते का रेस्ट है ना मुझे, तो आपने दो दिन मुझे बंदा भेजना या खुद जी खाना खा के फारग हो गए हैं अभी। आप लोगों ने चाय का बहुत डिलीशियस, बहुत डिलीशियस खाना था। चाय आ जाओ, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा। क्या खाना मीठे में? मीठे में क्या खाना जी? तो मेन कोर्स कंप्लीट हुआ खाने का, और अब जो है वो आइसक्रीम, आइसक्रीम नो डाउट बहुत मज़ेदार है कबाबिश की। सैंपल लेके आते हैं कभी ले आते हैं? मैं इंसुलिन लगाए बगैर खा रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। खाने के बाद जो है अब चाय का दौर चल रहा है, हम कैफे पे आए हैं। इस कैफे का नाम है 10 o'clock, उकाड़े का बहुत अच्छा कैफे है। यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, सारे दोस्त ब्लैक बेल्ट्स। हर चीज़
इस कैफ़े में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि चाय के साथ जो है टाइम पास करने के लिए उन्होंने हर टेबल पे एक लूडो भी रखी हुई है, तो जो दोस्त जो है वो टाइम पास करने के लिए लूडो भी खेल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपको हर टेबल पे जो दोस्त हैं वो लूडो खेलते नजर आएंगे। अच्छा, इसमें कोई ये भी नहीं कहेगा जी लेट कर दिए जी। तो भी और इतना ज़बरदस्त फंक्शन और दावत और शशमाई प्रोग्राम इंजॉय करके हम घर वापस आ गए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।